अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद सुजन। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस स्टूडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस स्टूडियो का टाइटल है फर्स्ट टाइम आई बॉट वाटर मिलन फ्रॉम होल सेल मार्केट। देखते हैं भाई आज क्या एक स्पेशल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये लग रहा भाई मीठा होगा करके, एक तो कलिंदर मैं भी ले ले रहा हूँ, देखते कितना के जी चाहता है ये कलिंदर। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसा आप लोग? वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई साहब अभी बज रहे सुबह के 10 और देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूँ तखतपुर सब्जी मंडी। और गाइस आज ना बहुत ज्यादा लेट हो गया था घर से निकलने में, इसलिए ब्लॉग सीधा मंडी में आके शूट कर रहा हूँ मैं। और देख सकते हो इधर आलू आया भाई के पीछे, ये देखो आलू दिख रहा है। आलू बता रहे भाई 12 रुपए किलो है आलू। क्वालिटी देख सकते हो भाई आलू का, सिर्फ ऊपर ऊपर है बड़ा बड़ा दिख रहा है, नीचे में छोटा छोटा है। हाँ 11 रुपए है, 11 है गाइस, 11 है। 12 रुपए चिल्ला रहे थे मैं आया उस टाइम, 11 रुपए किलो है, लेकिन नीचे में छोटा छोटा दिख रहा है यार आलू जो है, इधर जो है ऊपर बड़ा बड़ा है। और देख लेते भाई बहुत जगह और आलू आया है, क्या करे थे बाकी जगह। और मटर भी है, बहुत सारा सब्जी भाई, देखते हैं क्या रेट है सब्जी, फिर उसके बाद खरीदते हैं। भाई साहब अभी आज है टमाटर लेने, टमाटर 140 रुपए हो रहा है भाई साहब, बोलिए आज टमाटर का 25 के लिए। पटेल बोल रहे, देखो भाई साहब अपन टमाटर लिए है 5 के रेट अपना है। बोल 140 हो रहा है भाई साहब टमाटर। चलो मेरा तो हो गया भाई 5 किलो टमाटर, इसमें 25 से 26-27 किलो है, 5 किलो टमाटर है और बाकी सब्जी भी हो गया है। आज टमाटर ही सेल करेंगे भाई साहब, मजा आएगा। भाई जो टमाटर दिया है ना देख सकते हैं, गाड़ी पैक किया है और अभी ना गाड़ी पैक करके उसको मैं लेके जा रहा हूँ वो पिकअप के पास। आज बाइक से नहीं जाने वाला, पिकअप में जा रहा हूँ। 5 किलो क्या लिया दीपक भैया? अरे ये लिया है मैं अभी मार्केट में नया आया है। कलिंदर कितना रुपए किलो? ये बोल रहा है 15, लेकिन कुछ कम करेगा 2.5 किलो का। हाँ एक तो मैं भी ले जाऊँ क्या घर के लिए भाई साहब? एक तो कलिंदर ए छोटे, एक तो कलिंदर मोहू देना, अच्छा वाले देना देना। अरे मैं काला छाट रहा, मैं जाना नहीं ना। कौन है बढ़िया मीठा भाई महाराज बताओ तो, कौन बढ़िया मीठा कौन सा होगा? ये लग रहा है भाई मीठा होगा करके, एक तो कलिंदर मैं भी ले रहा हूँ, देखते हैं कितना केजी चाहता है ये कलिंदर। पूछते हैं भाई कितने कलिंदर तोलो। 3 किलो का है भाई कलिंदर। कितने का मिला? चलो भाई साहब कलिंदर हो गया, कलिंदर लेके चलते घर, टमाटर को वहाँ पिकअप है वहाँ पास डालते हैं भाई। तो गाइस देखो गाड़ी पूरे टमाटर लेके आया था और इसके ऊपर डाल दिया भाई अपन टमाटर को सुनील भैया की सहायता से। ये देखो ऊपर पूरा मेरा टमाटर डाला है और ये भाई लोग का टमाटर है। आज पूरा टमाटर ही टमाटर बेचेंगे भाई, जो 5 के टमाटर लिए है और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सामान भी लिया हूँ। अभी देख सकते हो मंडी और खाली हो चुका है यार, सभी गाड़ी वालों का सब्जी भरा रहा है ये देखो। तो चलो फिलहाल यहाँ से निकलते भाई घर और सीधा आप लोग से घर में मिलते हैं। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके और ये देखो नाना बैठे हुए यार मस्त आराम से। का बाबू बोलते नहीं यार, का चाल? ये दे नाना के लिए कलिंदर भाई साहब आए। तुमन ओए कलिंदर रे, कलिंदर 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 नाना के लिए लेके आऊं भाई मैं वाटर मिलन, वाटर मिलन। बहुत खुश है भाई बाबू, खाना है खाएंगे। लौकी नहीं है कलिंदर है, वाटर मेलन। नाना खुश भाई, बोलता है तुम्हारा लौकी। नाना लौकी बोल रहे हैं इसको भाई। तो
चलो हाथ पैर धोते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, और फिर वाटर लेमन वाटर मेलन भी खाते हैं। यार मैं वाटर मेलन को वाटर लेमन बोल रहा था। तो गाइस मार्केट से सब्जी लेके आने के बाद ना मैं घर आके खाना खा के सो गया था भाई मस्त ऐसे, जो कि अभी उठा और देखो बाकी सामान को निकाल लिए है बाहर जो तराजू किलो बांट है उसको। और अभी फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ अपने पिकअप के आने का, क्योंकि आज बाइक से नहीं जाने वाला, पिकअप से जाने वाला हूँ। तो देखते भाई कब तक गाड़ी आता है भैया। तो मैं गाड़ी का वेट करते बैठा हूँ अपने, लेकिन अभी गाड़ी मेरा आया नहीं है पिकअप जिसमें जाना है मार्केट। अभी फिलहाल देखो भाई हमारे पास बहुत गाड़ी भी आ गया, पिकअप भी आ गया अपना, ये देखो सामने, और पोस्टमैन आया है यार मेरा कुछ लेके, कार्ड आया है क्या मामा श्री? ये देखो मेरा कार्ड आया भाई, ये फटाक से दिखाओ, दस्तक मार रहा हूँ। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, दे 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 दे, हाँ ये मिल गया भाई कार्ड अपना। क्या है इसको बाद में देखता हूँ मैं, अभी इसको दे दे रहा हूँ, घर पे आने के बाद देखेंगे क्या है भाई, आप लोगों को बताऊंगा मैं। बाबू ये पकड़ शाम के डब्बे मोर आए। चलिए सामान को ऊपर करते हैं भाई, पहले गाड़ी चखा ले रहा हूँ। ये देख सकते हो आपको कैसा लग रहा है सर? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। नहीं जलेबी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ खुशबू आ रहा है उसका। ये देखो इसके अंदर है जलेबी। फाइनली मार्केट पहुंच चुके यार, देख सकते हो उतर रहे हैं सभी भाई लोग, और ये देखो मार्केट। तो भाई सब देखो गाड़ी यहाँ पास है, अभी चलो गाड़ी पूरा सामान को लाते भाई निकाल के, यहाँ पास फिर दुकान लगाते हैं। भाई साहब अभी मैंने पिकअप के ऊपर से पूरा अपना जो सामान था ना उतार ले, देख सकते हैं पीछे मेरा 5 किलो टमाटर दिख रहा होगा आप लोग को, ये देखो अभी अभी चलो दुकान लगाते हैं भाई अपना। फाइनली दुकान भी लगा के रेडी, और देखो कस्टमर भी आ गए अपने टमाटर ले रहे हैं भाई। और आज सामान ना देखो आलू भी लाया है, भाटा भी लाया है, लाल भाजी है, टमाटर है, प्याज भाजी है, और ये देखो मटर क्वालिटी काफी अच्छा है, और फूल गोभी है। टमाटर थोड़ा सा ज्यादा लेके आया भाई मैंने, टमाटर लेके आया 5 कैरेट जिसमें 2 कैरेट नीचे डाला, 3 कैरेट ऊपर है, क्योंकि जगह कम पड़ रहा था ना इसलिए मैं जो है 2 कैरेट को नीचे डाला भाई। अभी चलो टमाटर देते हैं। टमाटर टमाटर आगे 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 सुपर टमाटर, आलू मटर भाटा गोभी वाले माल, रेंगा 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 भैया, इसीलिए चिल्लर लेके आना पड़ता है। फ्री ले जाओ, फ्री ले जाओ, खालिद नहीं है जी सामान है सही माँ। टमाटर वाले आगे 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 आगे, सुपर टमाटर सुपर टमाटर, आ जाओ ये टमाटर वाले मान। टमाटर भाई सब 10 रुपए टमाटर, तीसरा कैट गोभी 20 रुपए की गोभी, निकाल निकाल 20 रुपए किलो, 20 मटर वाले टमाटर वाले क्या किलो भैया? 2 किलो करा। ये आ गया सुपर टमाटर 10 10 10, दीदी लाल भाजी 10 के 6 ले जा 6। ना ना भाई का भाई काम बहुत मस्त चल रहा है, लेकिन नीचे वाले का
वो भी 20 रुपए कल से ले किलो ले दे किलो जी उठा लेगा ठीक है। तो गाइस जो ग्राहक आए थे ना वो भी चले गए, अभी फिलहाल चलो खाते हैं अपन टमाटर को और आलू को और गोभी को। चलो तो गाइस अभी देख सकते हैं मैंने पूरा अपना सामान उठा लिया है और उठा कर देखो पूरा कैरेट्स को एफिल टावर टाइप से गांस दिया यार कुछ इस प्रकार से, ये देखो काफी लंबा सा दिख रहा है। और ना मार्केट में चलो देखते हैं यार कि बाकी जो मेरे पार्टनर्स थे ना उनका क्या हाल रहा, पूछते हैं मार्केट कैसा था भाई लोग का। किशन भैया ये देख सकती है किशन भाई मेरे पीछे बैठते हैं, कैसा था आज का मार्केट भाई, बचा है सामान? देखो बैगन बच गया भाई का, आलू बच गया है, मेरा भी बचा है यार, उतना अच्छा नहीं था। चलो ठीक है भैया और आते इधर से पूछ के और चलते। ये देखो भाई गैया लोग आ गए भाई, अभी इन लोग का डेरा है। चलो भगवान उधर जाओ कुछ नहीं है, उर, हे, हा, भग, 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 भग। और ये देखो ये मनोज भैया इन्हीं गाड़ी में आया हूँ मैं, ये लोग अभी सामान उठा रहे हैं यार, बच गया भैया लोग का सामान। कैसा था भैया मार्केट? अरे बहुत अच्छा था भैया, घाटा लग गया, घाटा लग गया, लॉस हो गया यार, थोड़ा सा डाउन था ना मार्केट, मजा नहीं आया। देखो उठा रहे भैया लोग यार, मैं तो उठा लिया हूँ। और ये देखो मेरे सामने चाचा जी बैठते, कैसा था मार्केट सर? अरे बिल्कुल ढीला है भाई, पूरा डाउन था ना, डाउन लव भैया, कैसा था मार्केट? एक नंबर यार, मजा आ गया सर करने में, मजा आ गया भाई, सामान जस्ट बना भाई। यार मस्त भाई, हंसते हुए बता रहे भैया एक नंबर मार्केट था करके, मतलब कि देखो सामान देखो यार, दो कैरेट आलू बैगन प्याज भाजी और टमाटर बहुत सारा आइटम बच गया। नहीं भाई मार्केट थोड़ा सा डाउन था यार, मजा नहीं आया सेल करने में, नहीं चल रहा है यार, पता नहीं कैसे भाई क्या हो गया मार्केट को, लगता है झाड़ फूक करवाना पड़ेगा गुलाब यार, लव यार लग रहा है यार मार्केट में। हाँ वैसे ही लग रहा है यार, मेरा भाई पूरा सामान बच गया, मैं तो जस का तस बेच रहा था यार, 10 में खरीदी का माल 10 में फिर भी नहीं बिका, फिर भी नहीं बिका यार। तो भाई साहब अभी देखो और जो मेंबर्स है अपने गाड़ी वाले सब लोग डाल रहे हैं सामान को अपना अपना। दौलत भैया कैसा था मार्केट यार? मीडियम में था भाई, उतना ज्यादा भी नहीं था उतना कम भी नहीं था, उतना अच्छा नहीं, थोड़ा थोड़ा बच गया, नहीं बिक गया कि नहीं आपका? थोड़ा तो बचा, मिर्ची बचा 4 किलो, हाँ 2 किलो अदरक बचा, बाकी सब बिक गया। आपका सर? टमाटर बच गया मेरा यार 200 रुपए का, मात्र 1 कैरेट बचा है ना, टमाटर बच गया यार मेरा 1.5 कैरेट बचा है यार, चलो ठीक कल बेचेंगे, बाकी सब बिक गया ना? हाँ सब ओके। और मार्केट कैसा था? अरे मीडियम था यार, चलो दिला ले उठा, इसको उठा ना, उठाऊं क्या? दौलत भी उठा रहे हैं और डाल रहे हैं भाई गाड़ी पे, तो मैं तो पहले डाल लिया हूँ अपना सामान को, देखो सबका सामान अभी पैक हो रहा है, खाली कैरेट्स भरा कैरेट्स इस प्रकार से, सब अभी पूरा गाड़ी के ऊपर बैठ चुके हैं। देखो भैया लोग पूरा सब लोग मजे में ना, सब खूब मजे में भाई साहब, ये देखो दौलत भैया क्या खा रहा यार, ये चिकोस खा रहे हैं भैया, हां मैं खा लिया, आप खाओ खाओ, सबको खिलाओ और खाओ। तो चलो गाइस फिर निकल रहे हैं घर के लिए यार, पहुंच गए, देखो चलो सामान को उतारते हार मेरा, लाओ नीचे दो भैया लोग। तो भाई साहब फाइनली सामान को भी अंदर कर लिया है मैंने, और ये देख सकते इतना इतना बचे हार, 1.5 कैरेट के आसपास टमाटर, 1 कैरेट गोभी, आधा कैरेट अपना आलू और थोड़ा सा जो धनिया है कल का वो बचा ही है। तो मार्केट उतना बढ़िया नहीं था, बहुत कम प्राइस में सेल करना पड़ा मेरे को, जितना मैं खरीदे थे उतना में, लेकिन फिर भी सेल नहीं हुआ, बच ही गया है। और अभी अब मैं डाल रहा हाथ पर धोने, फिर खाऊंगा खाना और खाना खा के वीडियो एडिट करके सोएंगे भाई साहब। तो फिलहाल के लिए आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा उसे कमेंट जरूर करना, फिर मिलते हैं कौन नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़, बाय बाय। हाँ जी गाइस, तो देखा भी मजा आया, क्योंकि आप देखें भाई ये जो मेहनत है ना, बहुत हमें इनकी जो मेहनत है ना वो ऐसे लगती है, जज्बा देती है, देख लो वो सेम प्राइस के ऊपर सेल भी कर जाते हैं, कभी परवाह नहीं की कि यार मुझे लॉस हो रहा है या मैं एक अपना टाइम जाया कर रहा हूँ, नेवर, बंदे के अंदर जज्बा है यार, ये चीजें होती हैं ना, वो सारे खुश थे यार जब निकले हैं, देख लो सारे हैप्पी जो है ना वो घर जा रहे हैं भाई, हाँ अपना खुशी खुशी। हाँ जी,
नहीं, अब देखो ना, ये एक बात होती है एक कारोबार की और बिजनेस की, क्योंकि एक छोटी मोटी आप चीजें ये देखते रहते हैं ना, तो फिर आपका भाई गुजारा ही नहीं होता। अगर यही चीज आप मैनेज कर लेते हैं तो एक ना एक दिन भाई सब कुछ एक एक परफेक्ट चीज हो जाती है। तो भाई आप देखो, एक रोजी रोटी मिल ही जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक दिन मुनाफा नहीं प्रॉफिट आता, दूसरे दिन आ जाता है, ये ऐसे ही भाई चलता है, ऐसे ही है। हम ऐसे ही चलता है। हमारा भी ये एक मिशन है कि जब तक भाई लगे हैं ना, हमने भी इसके पीछे लगे रहे और हमें 100% करना है, यकीन है ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है कि एक दिन ये जो है ना वो कामयाब होंगे। और भाई आप जरूर देखेंगे इसको, और ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो कारोबारी बनेगा साथ इसको जो है ना वो, और जो इसने साथ YouTube वाला सिस्टम शुरू किया है, और इससे भी काफी आता जो है ना ये भाई आप भी जरूर जाकर साथ इसको जो है ना वो, हम हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए इसको सपोर्ट करें जितनी हो सके, क्योंकि भाई शुरू सुबह से शाम तक जो है ना वो मेहनत करते हैं भाई, और चाहे थोड़ा बचे ज्यादा बचे वो एक अलग मैटर है, दिन ब दिन इसका जो है ना वो एक्सपीरियंस जो है ना वो बनता जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी ठोकरें खा रहा है, एक मजबूत हो रहा है। और उसके अलावा बात करें भाई, अगर हम वाटर मेलन के ऊपर, तो भाई हमारे यहाँ तो इसको धवाना बोलते हैं, पंजाबी में धवाना बोलते हैं, भाई इसको ना उर्दू में इसको तरबूज बोलते हैं, ठीक है। और हम तरबूज तो है ना वो थोड़ा शॉक्ड होके देख रहे थे, तरबूज नहीं तरबूज ही बोलते हैं, तरबूज तो खकड़ी को नहीं बोलते, और खरबूज बोलते हैं। अच्छा खरबूज, अच्छा भाई दूसरा, दूसरा ये है कि भाई हमारे अभी इधर ये नहीं आया, क्योंकि ये हमारे पास आना है मार्च एंड अप्रैल स्टार्ट, मिड अप्रैल तक जो है ना वो इधर पाकिस्तान में मंडियों में ये पहुंचेगा। अगर आप कहीं है तो वो बड़े जो है ना वो स्टोर्स में होगा, और वहां पे भी इसकी कीमत जो है ना वो काफी ज्यादा होगी, उधर तो मुझे लगता है 10 रुपए होगा। हाँ, और जब अप्रैल में आएगा तो स्टार्ट में इसकी जो प्राइस होगी ना वो 25-30 रुपए पर केजी जो है ना वो मिलेगा। और जहरी बात, ये बड़ा होता है, इसका वजन ज्यादा होता है, तो जिसने भी लेना है उसको 200-250-300 जो है ना वो एक पड़ता है, ठीक है। 300 में पड़ता है, शौक है वो भाई खाते हैं, क्योंकि हमारे जो है ना रिलेटिव वो रहते हैं इधर, इधर एक और सिटी है जहाँ पे ये लोग बीजते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा बड़ी मात्रा में बहुत खाते थे, लेकिन अब नहीं, अब वहाँ पे भी खत्म हो, क्योंकि वक्त के साथ साथ लोग जो है ना वो उस चीज की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होता है। होता तो इसमें भी ज्यादा है, लेकिन वो गंदम और जो है ना वो चावल की जो है ना उधर खेती अब ज्यादा होने लग गई है, क्योंकि वो डायरेक्ट ही उसको जो है ना वो मंडियों वाले ले लेते हैं आड़ती जो है, तो उनको जो है ना वो बचे, तो जहरी बात है जिसको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा होता है वो साइड के ऊपर ही जाता है। तो भाई जो है ना अभी लग भी रहे थे कि बहुत प्यारे हैं, पक्के हैं, नहीं ये फुल पक्के हैं भाई, लेकिन ये मजेदार है, हर तरह का मौसम होता है वहां पे, एट अ टाइम चल रहा होता है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, मतलब नॉर्मल मौसम भी होता है, तो उस हवाले से ये चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं उनकी वहां की मंडियों में। और ये एक लोकल मंडी है भाई, उधर भी आए हुए हैं भाई ने शौक से लिया, उसके नाना जी भी, हमें नाना जी जो है ना वो हमने उनको बोलते नहीं देखा था, आज बोलते थे, आज जब उन्होंने दबाना देखा ना तब वो एक बार नहीं, मुझे तो लगता है अब देखो ना जब फर्स्ट टाइम एक आता है फ्रूट एक मार्केट में या नया, तो ऐसी खुशी होती है सेम टू सेम सबको, कि भाई हम तो बोलते हैं कि भाई ये देखो एक नए साल का नया फ्रूट, चलो भाई मजेदार पहली बार। हाँ तो देखे भाई, और बाकी भाई जो भी देखते हैं एक बार भाई के भी जाकर चैनल को जरूर देखिएगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।